सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हमारे जो माशरे में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, गलत लोगों के कुछ जहनात बन चुके हैं यूरिक एसिड की वजह से, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। और इसमें सारी कौम शामिल है, इसमें बच्चे, बूढ़े, गांव से आने वाले, अनपढ़, पढ़े लिखे और इवन डॉक्टर्स, मेडिकल स्पेशलिस्ट तक, सारे लोगों को फिक्र रहती है यूरिक एसिड की। और ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग आते हैं, हम उनसे हिस्ट्री लेना चाहते हैं कि जी आप क्यों आए हैं क्लिनिक में, तो बजाय ये कि अपनी तकलीफ बताएं, एक कागज़ सामने रख देते हैं जिस पर यूरिक एसिड का टेस्ट हुआ होता है, वो कहते हैं ये देख लें। तो फिर उनको समझाना कि ये क्यों कराया है, किस लिए कराया है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड हर बंदे को होता है, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको यूरिक एसिड ना हो। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बनता है, हम जो खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, उसके जो हजम होने का जो सिलसिला चलता है जिस्म में, तो उसमें यूरिक एसिड भी पैदा होता है। तो यूरिक एसिड हर इंसान में मौजूद होता है। हाँ, ये और बात है कि कुछ लोगों में यूरिक एसिड एक हद से ज़्यादा हो जाता है, और जिस जिसमें यूरिक एसिड एक हद से ज़्यादा हो, उनमें से भी ज़्यादातर लोगों को इसके इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपके जिस्म में कोई नुकसान नहीं करता। ज़्यादा क्यों होता है? ज़्यादातर लोगों में तो ये होता है कि हमारे जिस्म में बनता ही ज़्यादा है। जिस तरह किसी को पसीना ज़्यादा आता है, किसी को शुगर हो जाती है, किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है, तो आप ये समझें कि हमारे जिस्म का जो इंजन समझ लें, जो बॉडी का अंदर स्ट्रक्चर है, वो इस तरह बन के आया हुआ है जेनेटिकली कि किसी में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है और किसी में कम बनता है। आप दूसरा, इसमें खुराक का भी रोल है कि कुछ खुराकें ऐसी हैं, कुछ खाने ऐसे हैं जिसकी वजह से जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार थोड़ी बढ़ जाती है। अगरचे गोश्त के पीछे लोग हाथ धो के पड़े रहते हैं और हर एक को पता है कि गोश्त से यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल ये है कि जो भी मोटा करने वाली खुराक है, सिर्फ गोश्त नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, मीठा ज़्यादा खाना है, चिकनाई ज़्यादा खानी जिससे आपका वज़न बढ़ सके, उन सारी चीज़ों से इनडायरेक्टली आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि जिसका भी यूरिक एसिड ज़्यादा आ जाए उसको फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ये जो 30% लोग हैं जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा आ सकता है, किसी भी वजह से, किसी ने चेक कराया है, खुद फरमाइश की है या डॉक्टर साहब ने कराया, तो इनमें से 90% लोग वो होते हैं जिनको ज़िंदगी में कभी यूरिक एसिड की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर इनका यूरिक एसिड चेक ना किया जाता तो ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते, इनको उसका कोई नुकसान नहीं होना था। हर दर्द जो आपके जिस्म में है वो यूरिक एसिड की ज़्यादती से नहीं होता। तो ये जानना कि यूरिक एसिड की वजह से दर्द कौन से वाला है, कौन से वाला नहीं, ये की पॉइंट है। इसकी अगर समझ लोगों को आ जाए, जनरल पब्लिक को, डॉक्टर्स को आ जाए, तो हम बहुत बड़े तकलीफ से, पैसे लगाने से, परेशानी से बच सकते हैं। यूरिक एसिड की वजह से जो दर्द होता है उसको गाउट का दर्द कहते हैं। गाउट का दर्द एक ख़ास किस्म का दर्द है, और सिर्फ यही दर्द ही यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से हो सकता है। और उससे एक ख़ास पैटर्न है, वो ये है कि आप अदरवाइज़ ठीक होते हैं, हेल्दी होते हैं, रात को सोते हैं, तो ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में रात को दर्द शुरू होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक जोड़ में शुरू हो, लेकिन अक्सर लोगों को एक ही जोड़ में शुरू होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि पाँव के अंगूठे से शुरू हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को रात के वक्त पाँव के अंगूठे में दर्द शुरू हो जाता है। सुबह उठते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, नेक्स्ट 24-48 आवर्स में दर्द इतना बढ़ जाता है कि उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। आपका जो जॉइंट जिसमें अंगूठा है या घुटना है या कोई और जॉइंट है, वो सूज के सुर्ख हो जाते हैं, उसमें शदीद दर्द होता है। और ये दर्द रहता है तकरीबन 10 दिन। इसकी ट्रीटमेंट करें ना करें, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में ये दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा जितने भी दर्द हैं, गर्दन के दर्द का यूरिक एसिड से कोई ताल्लुक नहीं है। यूरिक एसिड की वजह से आपकी कमर में कोई दर्द नहीं होता। उठते बैठते जो घुटनों से आवाज़ें आती हैं, नीचे नहीं बैठा जाता, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तकलीफ होती है, नमाज नहीं पढ़ी जाती नीचे बैठ के, इन सारे दर्दों का यूरिक एसिड से कोई ताल्लुक नहीं है। अगरचे हो सकता है कि यूरिक एसिड भी आपका खून में ज़्यादा आया हो, इन दर्दों की बाकी वजूहात तलाश करनी चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं, अगरचे इसका कोई साइंटिफिक कंक्रीट सबूत हमारे पास नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो बस से थोड़े से लोगों का ये ख्याल है कि अगर यूरिक एसिड को ट्रीट किया जाए तो इससे ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह का कंट्रोल बेहतर हो जाता है, लेकिन ये चीज़ मुकम्मल तौर पर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो इसलिए जिन लोगों को यूरिक एसिड को हम चेक करते हैं, देखते हैं, तो सिर्फ जोड़ों के दर्द की ही वजह से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, और अगर आपको जो दर्द बयान किया गया उसके अलावा दर्द है तो वो यूरिक एसिड का दर्द नहीं है। अच्छा, यूरिक एसिड की वजह से बच्चों में दर्द नहीं होता, बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है, इसलिए बच्चों में कोई दर्द है तो यूरिक एसिड का टेस्ट ही नहीं करना चाहिए, बाकी चीज़ें ढूंढनी चाहिए। इस तरह जो यंग ख़वातीन हैं, जिनके अभी बच्चा पैदा करने की जो उम्र की ख़वातीन होती हैं 45 ईयर्स से यंगर, उनमें भी यूरिक एसिड हो सकता है खून में ज़्यादा हो, लेकिन इन ख़वातीन में कोई भी दर्द यूरिक एसिड वाला होना बहुत अनकॉमन है। यूरिक एसिड हम सब में मौजूद होता है, 30% लोगों में बढ़ा हुआ आता है, हर बंदे में यूरिक एसिड चेक करना ज़रूरी नहीं है। मेजॉरिटी ऐसे लोग जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। यूरिक एसिड की वजह से सिर्फ एक ख़ास किस्म का दर्द होता है जो मैंने बताया, उसके अलावा जितने भी दर्द हैं वो यूरिक एसिड वाले नहीं होते। लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, अच्छा खाएं पिएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना वज़न कम रखें,
तो उससे आपकी यूरिक एसिड के अलावा बाकी भी आपके हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि हम एक टेस्ट लेके उसको मारे मारे लिए फिरते रहेंगे मेरा यूरिक एसिड ज़्यादा आ गया तो इसका क्या करना है।